हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिंपल सचिन दलवे। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आए हैं चिंतामण मंदिर, जो कि पुणे में स्थित है। यहाँ पर बहुत और दूसरे भी मंदिर हैं, पर मेन अगर देखा जाए तो यहाँ गणेश मंदिर है। बहुत ही प्यारी जगह है और मुझे यहाँ आकर बहुत ही शांति का अनुभव महसूस हुआ। यहाँ पर एक सत्यता का प्रमाण मिलता है। ये जो इतने पुराने ज़माने में बना हुआ मंदिर है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात गणेश जी यहाँ रह रहे हों। और मैंने यहाँ पर बहुत ही बहुत शांति का अनुभव किया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और जिस टाइप से मंदिर बना है ना, तो इसकी सादगी को देखकर तो मैं और भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि वाह यार, आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा है। बहुत बहुत अच्छी जगह है चिंतामण मंदिर, जो कि थेराऊ गुना के थेराऊ में स्थित है। बहुत प्यारी जगह है और मैं आपसे पूरी क्लिप शेयर ही कर रही हूँ। सब कुछ जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। ये श्री विष्णु लक्ष्मी मंदिर है, बहुत ही प्यारा। मतलब जो इनके पत्थर है ना, देख के ही लग रहा है कि कितने पुराने पत्थर है और कितने पुराने टाइम का बना हुआ मंदिर है। तो यहाँ पर सच में सचमुच एक सत्यता का एहसास होता है। कितनी प्यारी तुलसी, देखिए आप लोग, बहुत अच्छी जगह है। और जहाँ ये पेड़ पौधे, ओ माय गॉड, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर। मैं यहाँ पर यही बोल रही थी अपने हस्बैंड से कि वाह यार, जो पत्थर है उस टाइम पे कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे मंदिर में। किला टाइप, राजा रजवाड़ो टाइप मंदिर बने हुए हैं, उसी ज़माने के हैं। बाजीराव मस्तानी और बोलते काशीबाई, इन टाइप उन्हीं के टाइप का शायद बना हुआ है ये सब। हम पुणे आए थे तो शनिवार वाड़ा भी गए थे, बहुत पुराने वाकई में वो जगह भी बहुत प्यारी। देखिए मंदिर के बाहर से छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, कितनी प्यारी दुकानें हैं यार। हर चीज़ हमारे इंदौर में तो गजरा मिलना, बापरे, ऑर्डर देना पड़ता है। और यहाँ गजरे देख कर मैं इतना खुश हो गई। सब इंदौर में ही सारे गजरे, ये थोड़ा पुराने टाइप में बहुत अच्छा लग रहा है। पुणे के थेराऊ में स्थित है ये। आप लोग अगर जाए तो यहाँ, जो भी पुणे जाए तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि एक बार श्रीमान दगड़ूशेठ मंदिर और ये जो पुणे के थेराऊ में स्थित है चिंतामण गणेश मंदिर, यहाँ आप जरूर जाएं। आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये जो यहाँ की छोटी छोटी दुकानें हैं ना, मुझे इतनी अच्छी लगी। यहाँ के लोगों का पहनावा, बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। बहुत मैं रेड कलर का जाम ढूंढ रही थी जो अंदर से रेड हो। मैं यही बोल रही थी, ऐसा जाम बताओ जो अंदर से रेड रहता है। मुझे बहुत पसंद है ये स्पेशल रेड रेड कलर के जो जाम अंदर से निकलते हैं। तीस रुपाव है। हाँ वो ले लो। तो ये जो है मेरे जेठ जी हैं, यही हमें पुणे में सब जगह घुमा रहे थे। इन्होंने सारी जगह बताई हैं। और ज़्यादातर हम मंदिर ही गए। नहीं, मेरा भी ये मानना है कि मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे मंदिर जाना चाहिए, भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। मैं मंदिर ज़्यादा घूमी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ से निकल कर हम जा रहे थे राम भगवान के मंदिर। कार में मुझे बहुत वोमिट होने लगी, तो फिर हमने ऑटो किया। ऑटो से हम लोग फिर श्री राम मंदिर जाने की तैयारी करने लगे और ऑटो से हम लोग निकल गए। यहाँ से मेरे हस्बैंड को एक अर्जेंट कॉल आ गया था जिसमें वो मीटिंग में चले गए। उसके बाद मैं, मेरे जेठ जी, मेरे फ्रेंड, हम लोग साथ में राम भगवान के मंदिर गए। और ये गांव में स्थित है, ये मंदिर गांव में स्थित है। बहुत ही प्यारा स्थित है मंदिर है। आप देखिएगा आगे, मैं पूरी लोकेशन आपको बताऊँगी कि रास्ते से जब हम जाते हैं तो छोटे छोटे गाँव आते हैं, हरियाली, खेत, पेड़ पौधे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी जगह है। एक्चुअली इसका नाम शायद रामसा ऐसा कुछ है, मैं भूल गई हूँ नाम। आगे मैं आपको बताती हूँ मंदिर का नाम क्या है। देखिए कितने प्यारे खेत हैं, बहुत सारे खेत यहाँ पर। बैंगन के खेत देखने को मिले मुझे, गन्ने के खेत देखने को मिले। एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी जगह थी ये, गाँव में स्थित है। देखिए ट्रैक्टर, यहाँ पर जो पूरा जो बोलते ना एटमोसफियर था, एकदम गाँव जैसा था, जहाँ पर बहुत शांति फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वाकई हमें कुछ दिनों के लिए शहर से निकल के गाँव में आकर ज़रूर रहना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम शांति का अनुभव होता है, हम खुश होते हैं। शहर की वही भाग दौड़, गाड़ी, मोटरें,
बोलते ना दिन भर की थकान, घर के काम, हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते कि हमें कुछ टाइम के लिए गाँव में आकर जरूर थोड़ा टाइम बिताना चाहिए ताकि माइंड बोलते ना शांत रहे और एक खुशी का पहाड़ को हम महसूस कर सकें। आप लोग देखिए बहुत बड़ा मैदान टाइप ये बना था, ये अंकल को मैंने कैप्चर किया। सड़कें देख लीजिए आप, पेड़ पौधे देख लीजिए आप, खुद देखिए कि कितना, मतलब मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था ऑटो से बाहर निकल कर पैदल जाऊँ। पर वो घूमने के बारह में गई नहीं। हाँ, मंदिर का नाम है रामधरा, श्री रामधरा शिवालय, ये मंदिर है जहाँ हम जा रहे हैं, श्री रामधरा शिवालय। ये गोभी का जड़ क्या है ना, हम लोग ये गोभी का खेत है, देखिए ये जो है ये गोभी का खेत है और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। हम टाइम से पहुँचे नहीं मंदिर, ये मेन एंट्री गेट है मंदिर का, हम लोग टाइम से पहुँचते ना तो शायद बहुत मज़ा आता, लेट हो गए थे तो फटाफट दर्शन करके वहाँ से हम लोग निकले क्योंकि 5 बजे यहाँ पर मंदिर के पट जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो हम लोग पहुँचे ही 4:30-4:45 के आसपास थे, 15 मिनट में हमने दर्शन किए और फटाफट वहाँ से निकले। वगैरह तो इंदौर में भी देखने को मिलता है पर जो यहाँ की सादगी है ना ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी लगी। मैं तो इतना खुश हो रही थी यहाँ, बहुत खुश हो रही थी, पर अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी बिकॉज वो मीटिंग में चले गए थे। मेन हम उनकी मीटिंग और श्रीमान दगड़ूशेठ के दर्शन करने ही आए थे पुणे। तो उसके बाद तो फिर मेरे जेठ जी ने मुझे बहुत घुमाया कि भाई नहीं आप बोर हो गए तो मैं आपको घुमाता हूँ, उसको अपनी मीटिंग वगैरह देखने दो मैं आपको घुमाता हूँ। तो उन्होंने और उनकी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बहुत घुमाया और बहुत इंजॉय कराया। देखिए कितने यहाँ पर जो ये वड़ का पेड़ है जो आप देख रहे हैं, ये पेड़ इतना बड़ा था, इसकी शाखाएँ इतनी दूर दूर जा रही थी, बहुत दूर दूर इसकी शाखाएँ जा रही थी, ऐसा लग रहा था एक ही पेड़ ने पूरे गार्डन को कवर कर रखा हो, जैसे इतना बड़ा पेड़ था। तो मैं वो पेड़ के बारे में ही बोल रही थी अपने जेठ जी से कि जो पेड़ है वाओ कितना प्यारा पेड़ है ये, और इसने पूरे गार्डन को कवर कर रखा हो जैसे अपनी छाया में, और सबको अपनी छाया ये दे रहा है। तो देखिए ये मंदिर है रामधरा जो कि एक तालाब में स्थित है, बहुत ही प्यारा है। हम मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अफसोस कर रही थी वहाँ पर कि हमको यहाँ जल्दी आना चाहिए था, हम इतना लेट आए यहाँ, 15 मिनट में मंदिर के पट जो है कि बंद होने वाले हैं। पर फिर भी 15 मिनट ही सही, 15 मिनट में बोलते ना बहुत सारा सुकून बटोर लिया मैंने यहाँ से। और बहुत ये देखिए ये मंदिर के अंदर जा रहे हैं, मैं बहुत खुश थी यहाँ पर, ऐसा लग रहा था कि बस घूमती रहूँ यहाँ से जाऊँ ना वापस, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। कृपया शांतता रखा, मुझे मराठी आती नहीं तो ये जो बोर्ड पे लिखा है ये पढ़ पढ़ के मैं बार बार बता रही थी अपने जेठ जी को कि मुझे थोड़ी देखो मराठी आती है, इतना बोलना आ गया मुझे कि कृपया शांतता रखा। तो वो बोल रहे थे ठीक है मैं आपको रोज़ एक सेंटेंस लिख के दूंगा तो आप उसको रोज़ याद करना। वो देख सकते हैं आप मंदिर कितना प्यारा मंदिर है, और यहाँ कोई बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, आप शांति सुकून से दर्शन कर सकते थे, मैंने बहुत सुकून से दर्शन किए, बहुत शांति से किए। कितना प्यारा है यार, सच में ऐसा लग रहा है कि वहाँ से मैं वापस नहीं आती, थोड़ी देर तो रहती एटलीस्ट, कम से कम 2-3 घंटा मैं वहाँ रहती, पर अफसोस नहीं रह पाए, 15 मिनट में भाग भाग के दर्शन करने पड़े। तो अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं, जो श्री राम लक्ष्मण जी और सीता माता की मूर्ति है, बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ थी यहाँ पर स्पेशली इन्हें इस मंदिर को रामधरा के नाम से जाना जाता है, रामधरा शिवालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा म्यूजिक था, थोड़ा ट्रैफिक की आवाज़ें थी बाहर से, तो मैंने यहाँ पर अपना वो वॉल्यूम कट करके जो भी है आपको मंदिर के बारे में मैं बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा म्यूजिक होने के कारण मुझे वॉइस को कट करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं भगवान जी को जो कि लक्ष्मण जी, सीता माता, राम भगवान और मेरे प्यारे शिव जी स्थित है। यहाँ से हम तालाब देख सकते हैं, तालाब के बीचों बीच ही स्थित है मंदिर,
पास तालाब है, पेड़ पौधे, हरियाली है, सुकून है। सुकून यही तो होता है जहाँ हरियाली हो, शांति हो। घर जाकर, इंदौर जाकर मैं इन सब चीज़ों को बहुत मिस करने वाली हूँ, बहुत बहुत मिस करने वाली हूँ। जय माता दी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जगह देखकर कैसा लगा। मुझे तो बोलते ना मन की शांति महसूस हुई है, पर आप लोगों को कैसा लगा? यहाँ पर मैं एक पेड़ पर एक लाइन लिखी थी जिसका हिंदी में मतलब होता है कि हमने पेड़ पौधे आपको छाया में रखने के लिए लगाए हैं। तो वो मराठी लाइन में पढ़ रही थी और मेरे जेठ जी मुझे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे थे कि ये ऐसा ऐसा लिखा है। तो ये यहाँ पर आप ये खाओ, मैं वही बोल रही, मैं ये नहीं खाऊँगी, मुझे पसंद नहीं है कैंडी। तो बोले नहीं, आप खाओ खाओ, अच्छा लगता है क्योंकि इन्हें बहुत पसंद है। आप मानो कि सबसे ज़्यादा ये आइसक्रीम और ये सैंडविच खाते हैं, इन्हें बहुत बहुत पसंद है। ये यही बोल रहे थे कि आप इसको भी कैप्चर करो कैसे बनता है, ये भी देखते हैं, कैप्चर करने लगे, देखने लगे। और फिर भी ऐसा खालीपन लग रहा था मुझे, क्योंकि वो मेरे साथ में थे, वो मीटिंग में चले गए थे, इतनी दूर में आए और उनके बिना ही घूम रही थी। पर दादा मेरे बेटी जी, मैंने दादा बोलता हर चीज़ का, खाने पीने का, घुमाने का, यहाँ तक कि मेरे रेस्ट का भी। ऑटो में भी हम आए तो ऑटो वालों को भी उन्होंने इतनी बार बोला, वही नहीं, मेरी प्रेग्नेंट है, आप धीरे चलाइएगा, आपको धीरे चलाना है। थैंक्स दादा, आपने बहुत बहुत ध्यान रखा। और अगर आप इंदौर आएंगे तो मैं आपका बहुत ध्यान रखने वाली हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा यार, आप ये खाते ही नहीं बन रहा था तो मैंने इसको पूरा निकाल के छोटा सा इसका एक बोलते ना गोल गोल बना लिया था और फिर लड्डू के टाइप फिर खाया था। बहुत बड़ा है, मैं यही बोल रही थी दादा, ये बहुत बड़ा ले लिया आपने। बस से भी हम घर की तरफ चल दिए। और बताइएगा आप लोग कि आपको कैसा लगी ये जगह। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। जस्ट बिकॉज आपके प्यार और सपोर्ट के बिना तो शायद हम कुछ नहीं। तो लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक, ऐसे ही अपना साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू, बाय बाय।